Now, next we start lesson number 3, sound. In your examination, a question is asked related to a sound. आपके examination में आपको sound related question पूछे जाएंगे. In this question, 4 words are given in the form of 4 options. इस questions में आपको 4 words दिए होंगे. किस form में? 4 options की form में. Each word has one or two underlined letters. हर word में क्या होंगे? दो या दो से ज़्यादा word ऐसे होंगे जिनको underline कर रखा होगा letters को. The sound of underlined letters of 3 words is similar. और क्या होगा इसके अंदर जो underlined letters है उसमें से 3 words जो हैं वो क्या होंगे sound उनका similar होगा. One of these 4 words is different in sound of underlined और उसमें से तीसरा चौथा जो होगा वो उसका sound अलग होगा. You are to identify the different word of which underlined letters have different sound. और अपन को ये बताने कि कौन सा different word है जो underlined है letters में और उसका जो sound है वो different है दूसरे तीनों से. एंड जो ऑप्शन ऑफ दैट वर्ड इज़ योर आंसर और वो जो ऑप्शन होगा वो हमारा आंसर होगा. जैसे एग्जाम्पल ए एफ डबल ओ एल फूल, बी टी डबल ओ एल टूल, सी सी डबल ओ एल कूल, डी एल डबल ओ के लुक. इन द वर्ड गिवन अबाउ द लेटर्स डबल ओ आर अंडरलाइन. ऊपर जो वर्ड दिए गए हैं उनके अंदर जो लेटर्स है ओ डबल ओ वो क्या कर रखे हैं अंडरलाइन कर रखे हैं. इन द फर्स्ट 3 वर्ड दिस हैव स्ट्रॉन्ग वोवेल साउंड लाइक यू. स्टार्टिंग के जो 3 वर्ड्स हैं उनके अंदर क्या है स्ट्रॉन्ग वोवेल साउंड है जैसे सब में यू है फूल टूल कूल. वाइल इन द लास्ट वर्ड लुक दिस लेटर्स हैव वीक साउंड और लुक के अंदर जो लेटर है उनका साउंड क्या है वोवेल का वीक है जैसे यू लुक. तो ऑप्शन क्या है आंसर हमारा लुक क्योंकि इसका जो साउंड है वो क्या है अलग है कूल टूल कूल फूल लेकिन लुक जो है वो अलग है. नेक्स्ट ए फियर टीयर डियर टीच. इन द वर्ड्स गिवन अबाउट द टू लेटर्स ई ए अंडरलाइन दो वर्ड्स अंडरलाइन कर रखे ई ए. इन द फर्स्ट 3 वर्ड दिस हैव साउंड रिसेम्बलिंग इनके अंदर जो 3 वर्ड है स्टार्टिंग है उनके अंदर साउंड क्या है रिसेम्बल है दैट इज डियर. बट इन फोर्थ वर्ड दिस हैव साउंड लाइक आई और जो लास्ट साउंड है उसका जो साउंड है वो चेंज है एज इन द साई. हैंस जो आंसर इज ऑप्शन डी. तो हमारा आंसर क्या है टीच क्योंकि इसके अंदर जो साउंड है वो अलग है. फॉर द सेक ऑफ स्टूडेंट हेल्प सम कॉमन वर्ड्स एंड द साउंड ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स आर गिवन हियर. आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे कुछ कॉमन वर्ड्स और कुछ साउंड दे रखे हैं जिनको अंडरलाइन करके लेटर्स को बता रखा है. द सिम्बल्स ऑफ द वोवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स आर टेकन फ्रॉम द एडवांस लर्नर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी. ये हेल्पफुल है आपके प्रोनाउंसिंग में द वर्ड करेक्टली. ठीक है सबसे पहले आता है वोवेल साउंड. ए फर्स्ट हर्ट बस कम हिट बिट फिट हुक फूल बुक हार्म काट चाम हिट बिट सीट हुफ रूल लूम. ठीक है ये वोवेल साउंड है. इधर हैन पैन बैड हैट बैट कैटल ईगो हीरो शो हॉट ऑफ बॉक्स बर्ड बुरू वर्ड अबाउट फादर ह्यूमन. फिर है डिफ्थोंग्स बे गेट वैन बाय बाइट लियार बोइल लॉयटर एम्प्लॉय चीयर नियर डियर एयर पेयर चेयर पुअर ड्वेल श्योर नो होम बोथ नाउ हाउस डाउन. ये तो थे. अब आता है कॉन्सोनेंट साउंड. वही पेन पेपर पैरोट बॉय बैट बैग टी टॉक टॉल डे डेली डेट कीप कीन केयर गेट गुड बिगिन चेन चार्म चेयर जॉक जज जेंटल फेस फिलोसॉफी फेल वैन वेस्ट वैल्यू. तो ये सारे वोवेल साउंड थे कॉन्सोनेंट साउंड थे और डिफ्थोंग साउंड थे जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में से लिए गए हैं. ठीक है नाउ एक्सरसाइज 1 हम करेंगे. हम देखेंगे कि इसमें कौन से जो हैं वो अलग हैं. नाउ एक्सरसाइज 1 विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स हैव अ डिफरेंट साउंड राइट लेटर ए बी सी डी ऑफ द करेक्ट आंसर. फर्स्ट फूड लुक स्कूटर सून. तो डिफरेंट क्या है लुक. फार्मर हैप्पी कैटल ग्लैड. तो डिफरेंट क्या है फार्मर. 3 फास्ट बेस्ट डांस फादर. तो फास्ट. तो ऐसे करके आपको क्या करना है एक्सरसाइज 1 जो है इसमें से जो डिफरेंट साउंड के लेटर्स है उनको करेक्ट करना है. एक्सरसाइज 2 में भी आपको यही करना है. ठीक है एक्सरसाइज 2 में भी आपको यही करना है और एक्सरसाइज 3 में भी आपको यही करना है. एक्सरसाइज 1, 2 एंड 3 में से 1 अपन ने कर ली है 2 और 3 आपको होमवर्क में करनी है और इसमें से एक्सरसाइज 1 और 2 जो है वो आपको कॉपी में भी करनी है
और कॉपी में क्या करना है, साउंड डाल के ये सारे वोवेल साउंड, ये डाइफ्थोंग्स और ये कॉन्सोनेंट साउंड, ये आपको कॉपी में लिखने हैं। कॉपी में आपको लिखने हैं, ठीक है। और एक्सरसाइज 1 भी कॉपी में करनी है और 2 भी कॉपी में करनी है, और ये होमवर्क है। एक्सरसाइज 3 भी जो है वो होमवर्क है, ठीक है। आप अपना काम कंप्लीट कर लेना। थैंक यू।